आज होगी लॉकर केस की जांच। कानपुर के कराची थाना ब्रांच की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई की लॉकर व्यवस्था सवालों से घिरती जा रही है। इस बैंक ने अभी तक 11 लाख रुपए को काट कर जेवरात और कीमती सामान पर डाका डाला गया था, लेकिन अब बारवां ऐसा मामला आया है जब पूरा लॉकर ही बैंक से गायब है। इस मामले पर बैंक प्रबंधन का कहना है कि उनके पास दिए गए लॉकर नंबर का लॉकर ही नहीं है, जबकि कारोबारी ने लॉकर होने के पूरे दस्तावेज बैंक प्रबंधन को दिए हैं। अब 16 अगस्त यानी आज से पुलिस इस मामले की जांच शुरू करेगी। तिलकनगर में रहने वाले बिस्कुट कारोबारी सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कराची खाना ब्रांच में उनका लॉकर 381B था, जो कि सुरेश खन्ना और उनकी दादी स्वर्गीय देवी का ज्वाइंट अकाउंट है। 2 महीने पहले लॉकर खोलने गए तो पता चला कि इस नंबर का बैंक के पास कोई लॉकर ही नहीं है। करीब 25 करोड़ के जेवरात भरा बैंक लॉकर ही गायब हो गया है। उन्होंने 42 साल पुराने बैंक अकाउंट और लॉकर होने के दस्तावेज बैंक प्रबंधन को दिए हैं। 2 महीने तक बैंक के चक्कर काटने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके बाद कारोबारी ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी और डीसीपी ईस्ट से मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच बढ़ा दी। पहले रक्षाबंधन और फिर स्वतंत्रता दिवस पर बैंक बंद होने के चलते पुलिस जाँच नहीं कर सकी थी, लेकिन अब मंगलवार से थाना प्रभारी पील खाना अग्निहोत्रा मामले की जांच करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।